उमा से कहा था कि कूफे की औरतों को बुलाओ। जब ख्वातीन आ गए कूफे की, अगला पैगाम ये मिला कि जितने चराग कूफे से पास लेके आया है सारे जला दो। और उसके बाद कहा गया उम्मुल बनीन से कि इन औरतों से कहो ये मेरी बेटी जो तुम्हें कुरान पढ़ाती रही है ना कूफे में, इसे अच्छी तरह पहचान लो, अगर दोबारा यह ज्यादा आए इसे पत्थर मत मारो। आप पर फूलों की पत्तियां निशान हो रही हैं, मेरा सलाम है करबलाए फलस्तीन के उन निहत्ते मुसलमानों पर कि 27 रमजान गुजरी उन पे गोलियां बरसाई गई, उनका कतलेआम आज भी जारी है। मेरे अजीम कायद आगा सईद हमें ने मुस्लिम में पैगाम भेजा था, मेरे पास तहरीर तौर पर मौजूद है, मगर सरजंद कायद आगा मोहम्मद मुफ्ती साहब ने जो मुझे वक्त की नज़ाकत बताई है, मेरा दिल चाहता है कि मैं पैगाम का एक जुमला और अलहाज जवाद अबू अब चौहान साहब की तरफ से करारदाद का एक नुक्ता आपके हवाले करूं, आपसे तायद लूं। मातम करते हुए हम जाएंगे, आकाए मुस्लिम ने कहा बेटा ऐलान करके बताना, पुलिस फोर्स ने बड़ा ताउन किया आपके साथ, आज इंतजाम ने बड़ा ताउन किया आपके साथ आज, लेकिन उन निहत्ते फलस्तीनियों पर जो इसराइली फौज दहशतगर्दी कर रही है, मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं, सिर्फ लफ्जी मजम्मत हो रही है। अगर ये चाहें हैदरी गूंज के साथ फलस्तीनियों को शहीद करने वाले इसराइली बुजदिलों को नाको चने चबाए जा सकते हैं, लेकिन हम अभी देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो दिन जरूर आएगा। तो पैगाम का जुमला आ गया, इस्लामी असार मिटाए गए, कौन कौन से मिटाए गए बताने की जरूरत नहीं, मीडिया दो दिन से बता रहा है, लेकिन दुख का मकाम यह है कि हमारा वलास टीवी चैनल जो अभी मुझे जो एंकर हैं आज चीफ रिपोर्टर ड्यूटी कर रहे हैं मोहम्मद अब्बास काजी साहब, उन्होंने बताया यकीन करें मेरा खून भर गया। आपको सुन के दुख होगा कि जब 40 शहरों में, मामूली बात नहीं है, चुप खड़े मेरे दोस्तों, 40 शहरों में पाकिस्तान के और दुनिया के 70 से ज़्यादा मुल्कों में जो एहतजाज हो रहा है पुरमन, उसे जब लाइव दिखाया जा चुका, तो आज फेसबुक के मालकान ने वल असल टीवी की आईडी को ब्लॉक कर दिया। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, जो जो मजम्मत में शाले हाथ उठा के लगा दे कलंदर इनारे कोई बात नहीं, दीगर जराये से जलूस लाइव दिखाए जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आका मुस्वी ने फरमाया है कि असल इस्लामी आसार मिटाना मुसलमानों से ताबूत सकीना छीनने के मुतराजी था, लेकिन आका जी सरकार ने इस यकीन का विधान किया है। आका जी सरकार फकत आलिम दीन नहीं है, फकीर सैयद है, जिसने मार्शल्ला के दौर में 8 महीने सुन्नी से इत्तेहाद के साथ तहरीक चला के साबित कर दिया था कि अली वालों से हुसैन वालों से कोई पंगा न ले। ये मातम हमेशा से हो रहा है, हमेशा होता रहेगा, और मातम से बड़ा कोई पुरमन इस्तेहताजात है तो मैं बताइए, अपना सीना पीटने वाले, अपनी कमर जख्मी करने वाले, सुन्नत सज्जाद अमल करने वाले मातमियों, मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ किसी अदादार के पहलू में मेरे हथकड़ी वाला इमाम आगे बैठा है। आगे सरकार ने इस यकीन का इजहार किया है कि जिस तरह हजरत मूसा हजरत हारून के तबर्रुकात को फरिश्ते खुद लेके आ गए थे, इसी तरह पर्दे में बैठे वाला बैठा हुआ मेरी इस जनाब फातिमा ज़हरा की उम्मीद और आसरा इस कायनात का वारिस ज़रूर आएगा। और मैं यकीन से कह रहा हूँ, अगर मुसलमान हुक्मरानों ने, अगर नाम नहाद खादमा हरवैन शरीफैन ने सहाबा के बाद अजवाज मुतहरात अहले बैत अतहार फातिमा ज़हरा सरदार का मज़ार न बनाया, मेरा मौला आकर खुद मज़ार तमीर कराएगा। आप
तैयार है मौला के नुसरत के लिए उंगली उठा के ज़ियारत पढ़ने वालों, जो जो तैयार हो, जिस दिन आकाए मुजीन ने कह दिया हम निकल पड़ेंगे, पहले पैर पिंडी में होगा, दूसरे जंगल बकरी में होगा आपका धर्म। तैयार हो, अगर तैयारी करो। अब करारदाद का जुमला आ रहा है। आगरी सरकार ने एक और बात मुझे चलते हुए पैगाम भेजा था, वो मुझे याद आ गई है। 8-20 मई है जुमला, कल क्या है? 21 मई। कल 21 मई तो खोल दूंगा, तो मैं इशारा करूँगा, वक्त नहीं है। आप जाके बैठे ना सारे, थके तो नहीं है? इसलिए कि मजलूमों वाला है सरकार, हमेशा से जारी है, हमेशा रहेगा। आप कदम बढ़ाइए, पाकिस्तान की हुकूमत एटमी ताकत होने के नाते आलम इस्लाम की क़यादत करे, वरना हालत ये है। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, न हाथों में कुवत न पाँव में जोर, शहंशाह के दुश्मन से कैसे लड़ें। दुआएं करते हैं लेते हुए कि जर्मन की तोपों में कीड़े पड़े। दुआओं से कुछ आज़ाद नहीं होगा, जंग जारी है, मजम्मत जारी है। इंशाल्लाह जब ऐलान हो गया अलकुल की आज़ाद हो जाएगा, फलस्तीन के करबला फलस्तीन के मुजरमीन को अमान मिलेगी। बस मैंने खोल के एक दफा करादा देख ली है। बताना ये है 21 मई 1985 के मूसवी जनों के माहिदे में नवा मुतालबा जन्नतुल बकी का है। ये तामीर होगा, हुकूमत पाकिस्तान सऊदी अरब से सिफारती सतह पर रब्ता करे, और इंशाल्लाह ताला मज़ारात मुक़द्दस ज़रूर तामीर होंगे। और क़रारदाद का एक ही जुमला है, ये जो बारिश है ना अदेदारो, आप सारे उठ के चले जाओ, यहाँ से नहीं जाएगा सजा देते, मेरा मौला सजा नहीं जाएगा। एक जुमला करारदाद का सुन ले, बल असद न्यूज चैनल के जिस आईडी का ब्लॉक किया गया है उसे फौरी तौर पर खोला जाए, और मातमों के एहतजाज में हमारा एक मुतालबा यह है, इंशाल्लाह ताला हम दुनिया को बावर कराएंगे कि कायदे मिलत जाफरिया आगा सैयद अहमद मौसवी ने जब लायामल दे दिया, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के सुन्नी शिया अवाम उस पर भरपूर लबैक कहेंगे। और करारदाद में जो मैंने एक मुतालबा दे दिया आपको 21 मई 85 माहे के तहत, ये जन्नतुल बकी की तामीर का मुतालबा माहे में शामिल है, लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान आलमी इदारे इस इन मजारात को तामीर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। आपका मुतालबा मंजूर है मुजरम, जिसे जिसे मंजूर है। गुरबत का एक जुमला मुझे और कहना है, अगर आप बैठ के सुनेंगे खड़े होकर सुनेंगे आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये आवाज़ हमारी लाजमी पहुँचेगी, जनाब जैनब की फरियाद ज़रूर पहुँचेगी। जो जो तैयार है अपने दोनों हाथों को बुलंद कर दे, इन तमाम मुतालबात की मंजूरी के लिए, करारदादों की हिमायत के लिए, आकाए मुस्लिम पैगाम पर लबैक कहने के लिए, तो मीडिया को जाएगा, अखबार को जाएगा, दोनों हाथ उठा के मेरा इस मुतालबे की तायद करेंगे कि आप ये देख लें कि दुनिया वाले हैरान परेशान हैं, ये जलूस कैसे बरामद हो रहे हैं, ऐसे बरामद नहीं हो रहे, इस जलूस के पीछे हुसैन की बहन जैनब भी आ रही है, इस जलूस के पीछे हुसैन का बेटा सच्चा दादी चेहरा के पहलू में आ रहा है। अजादारो हम सारे मुतालबात को पुरअमन अंदाज में पेश कर रहे हैं, पेश करते रहेंगे। तहरीक नफाजिया के मरकजी कलूर अलहद मुतर चौहान, जिले कलूर अबूला चौहान, आप सबके शोर गुजार हैं, लेकिन चाहते ये हैं जैसे ये आज आसमान भर रहा है। अली मुस्लिम में कह रहे थे आप देख लें पिंडी में और कहीं शायद बारिश न हो, पता कर लीजिएगा। आज यहाँ जलूस की जगह आसमान भी रो रहा है अदादारो, अगर मुतालबात की तारीफ कर रहे हैं आप, करारदाद के हक में मुझे पैगाम पर नफे करने के तैयार हैं, नारा एक ही लगाऊंगा मैं, आपने दोनों हाथ उठा दे उस नारे का 3 मतलब जवाब देना है, या सारत अल हुसैन।
से नजर, ताहत से नजर आ रही मुझे। एक दफा और, या सारत अल हुसैन, या सारत अल हुसैन, या सारत अल हुसैन। इतने सारे उठे हुए आज, अगर मदीने में होते जहरा की कब्र मुस्कुरा न होती। अजादारो अब ये अजादार मुझसे सवाल कर रहा था, अजादारो बस मेरा वक्त पूरा होने वाला है, मेरे खिताब को बताना है आपको मैंने कि एक मोमिन ने सवाल किया अली भाई मुझसे, मोमिन भाई कि क्या अली भी रोए थे? आसमान आज तो बरस रहा है, करबला में बादल कहाँ चला गया? सारे सजाद नशीन, सारे माफी सलार, सारे अजादार बहन मजालिस सुनिशिया भाई यहाँ आए हुए हैं, हम सबके शुक्र गुजार हैं। सवाल का जवाब सुन लें, अली भी रोए थे? हाँ अजादारो, बैठाने वाला अली रोया था, कब रोया था? बना के तुर्बत जहरा अली बहुत रोए, बड़ा अजीम का सदमा अली बहुत रोए, न रोए हाथों के छालों को देख कर मौला, न रोए घर में रहा 3 रोज तक साका, लेकिन शकस्त का पहलू जो देखा अली बहुत रोए। बाप मेरे मोहल्ले का शाम होने वाली है, जलूस अपने मंदिर से जाएगा, जलूस का दूसरा मोड़ आ रहा है। अजादारों आपको पता है अली की बेटी कितने मोड़ गुजर के गई है? शकस का पहलू तो देखा अली बहुत रोए। एक बंद और सुन ले, पन्ना सुला के जहर लहर जेर लहर बिनत मुस्तफ़ा को अली, सुला के जहर लहर जेर लहर बिनत मुस्तफ़ा को अली, कि वो बैन के सारी जमीन लगने लगी, सारे कब्र छूटा अली बहुत रोए। अजादारो अली की शहादत नहीं पढ़ना है, जब फातिमा जहरा को अली दफन कर चुकी, सुबह को जैसे आप ताजा पेश करने आए सुनिशिया भाई, मदीने के उसे लोग आए और कहने लगे मौला अभी अभी हम जन्नत उद्दी से आ रहे, हमने उस तरफ उस लोगों को देखा जो बेचे उठा के जा रहे थे। मौला ऐसे ना हो कि बीबी की कब्र की बेहरमती हो जाए, सुनो सुनो अगर आखिरी सुनो, ऐसा ना हो कि बीबी की कब्र की बेहरमती हो जाए। ये सुनना था मेरे मौला के जुल्फकार हैदरी पे नियाम हुई अजादारो, अभी उठ के उधर बोले जन्नत उल बकी की तरफ, कहते मुझसे इस बात का वादा नहीं लिया गया था, बाकी सारे वादे लिए गए, हक मारा जाएगा, दरवाजा गिराया जाएगा, मगर इस बात का मुझसे वादा नहीं लिया जाएगा। उधर अली जन्नत उल बकी पहुँचा जाता और कितनी कब्रें बनाए, कितने निशान बनाए थे, वो शरपसंद दहशतगर्द जिस तरह आज इसराइली दहशतगर्द है, उस वक्त इसराइल की औलाद मौजूद थी, वो अली को देख के भाग गए। मैं कहूँगा मौला आप तो दुनिया से चले गए, क्या फातिमा जहरा की कब्र महफूज रही? पहले आपके बेटों की लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए मौलाना से अछूरा, उसके बाद 1926 आज ही का दिन था, जालिमों ने आले सऊद ने बिल्लों ने चला के अजादार कब्र जहरा को मिसमार कर दिया। मुझे जहरा याद आ गई अजादारों, बस उठने से पहले अपने सीने पे आग मार के मातम करना है मेरे साथ। शाम गरीब में आवाज आ रही थी, अरे लूटो कब्र रुका दे अली ओ बदूर को, अरे कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। मेरे भाई तेरी समाज पूरी कर रहा हूँ, जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे अजादारो, अचानक घोड़े रुक गए, अचानक आखिरी गुस्से है, अचानक घोड़े रुक गए। जैनब ने सीता से कहा, सीता पता करो घोड़े क्यों रुक गए हैं? सीता ने मालूम किया, आगे बताया आका जादी हुर के कबीले वाले आए थे, हुर की लाश उठा के ले गए हैं, पामाल होने से बच गया दादा, बस थोड़ी सी हिम्मत और हाय जरूर कहिएगा। उसके बाद फिर थोड़े दौड़ने शुरू हुए, टापों की आवाज रुकी, जैनब सीता ने बताया आका दादी हबीब के कबीले वाले आए, हबीब का लाश उठा के ले गए हैं। अचानक अजादारो आवाज टापों की आनी शुरू हुई, रुकी नहीं, जैनब को फिक्र हो गई, सब पीट के कहा सीता पता करो किस गरीब का लाश है, जिसे बचाने वाला कोई नहीं है। सीता ने सर पे मातम किया, आका जादी जैनब तेरे भाई हुसैन का लाश एक मर्तबा जैनब ने मदीने को देखा, नाना मोहम्मद सबको बचाने वाले आ गए, तेरे हुसैन को बचाने वाला कोई नहीं, आओ सारे मिलके मेरे साथ खड़े होकर मातम करो, आए हुसैन, आए हुसैन, आए हुसैन, आए हुसैन। अब तू क्या मेरे भाई
भाई ने कहा था आप सब पे हाथ मार गए, या जहरा या जहरा या बैग या जहरा या बैग या जहरा या बैग या जहरा या बैग या जहरा। मैंने दो दफा कहने आपने या बैग या बैग या जहरा या बैग या बैग या जहरा महफूज है खोलिए अपनी लबैक लबैक या जहरा लबैक लबैक या जहरा लबैक लबैक या जहरा। तामील करो तामील करो, माशा अल्लाह मांग लेने दे, तामील करो तामील।